फर्स्ट इंडिया न्यूज़ द्वारा आयोजित जोधपुर की इस धरा पर ऐ मेरे वतन के लोगों इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ और एक बहुत ही विचारशील पत्रकार श्री जगदीश चंद्र जी, मेरे साथी, मेरे सहयोगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल जी, राजस्थान के हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय, मेरे साथी रघु शर्मा जी, बीडी कल्ला जी, हमारे भाई मोहम्मद साहब, उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण, हमारी बहन मितुल दीदी, मेरी धर्मपत्नी प्रीति जी, मेरे साथी और मेरे परिवार के सदस्य किशोर ढिंगरा जी, शंपी भाभी जी, प्रमोद जी, गायत्री जी, ये आज बहुत ही मेरे लिए खुशी का अवसर है कि आज के देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा और उनकी सरकार द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं उनकी जन्मतिथि पूरे प्रदेश के अंदर में सतत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक उस राष्ट्रपिता के संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। और उसी की एक कड़ी में मैं बधाई देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को और आदरणीय जगदीश चंद्र जी को, उनके पूरी टीम को, कि जो एक छोटा सा प्रयोग पिछले 6 फरवरी को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में कवि प्रदीप जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमने आयोजित किया था, और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय बीडी कल्ला जी का और उनके समस्त मंत्री गण के उनके सभी टीम का, कि एक बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने स्वर संगम हमारी जो एक टीम है जो पिछले 12-15 सालों से कवि प्रदीप जी के विभिन्न विचारों को लेकर देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर, गांव में जाकर, शहरों में जाकर, विदेश में जाकर उनके इस संदेश को प्रचार और प्रसारित करती आई है, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ, उसी की कड़ी के रूप में आज जोधपुर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि कवि प्रदीप जी के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में बहुत विस्तार से फर्स्ट इंडिया ने अपनी विभिन्न क्लिपिंग से माध्यम से आप तक उस महामना की, उस गीत ऋषि के विचारों को आपके सामने रखा है। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आज जब यहाँ जोधपुर की बहुत ही निहायत, जिसको मैं कहूँगा कि जो जोधपुर और जहाँ से राजस्थान के पूरे विचार यहाँ से जाते हैं, ऐसे यहाँ के सभी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई हैं आप सब, तो आप और आपके सामने कवि प्रदीप जी की रचनाओं का यहाँ पर जो स्वर के माध्यम से जो उनका गीतांजलि देने का जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, उसमें ज़्यादा अवसर ना आपका बीच में रहते हुए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विशेष रूप से इस चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक सोच जो अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक एक अनेक उठाव और चढ़ाव में, जहाँ पर अच्छे और बुरे की पलक रखते हुए जब निर्णय लेना होता है, तो जो मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और काफ़ी दूर से पहले एक छात्र
नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, हमेशा एक आदर्श नेता के रूप में कांग्रेस का हर वो एक सही सोचने वाला युवा नेता उनके तरफ बहुत आशा और उम्मीद के साथ में अपना रोल मॉडल बोलकर देखा करता था। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती थी कि जो वो सोचते हैं और जिसमें गांधी जी के विचारों को ना ही उन्होंने अमल किया, बल्कि जब जब भी उनको जनता का सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने सबसे नीचे के तबके वाले व्यक्ति को किस प्रकार से पूरी ईमानदारी के साथ में अपने शासन के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कैसे उसके कंधे पर हाथ रख सकते हैं, बहुत ईमानदारी से उसका प्रयत्न किया है। और वो मैं देखता हूँ कि आज बापू के जो विचार हैं, जो गीत हैं, जहाँ पर अभी आपने सुना कि सूरज रे जलते रहना, सिर्फ एक गीत के मैं एक लाइन का उल्लेख करना चाहूँगा। जब आप ये गाना सुनेंगे तो उस समय उन्होंने उस गीत का जो भूमिका है उनके जहन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो व्यक्तित्व था जो उस समय देश के विभिन्न संघर्षों से जूझ रहा था, देश को एक रखने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था। वही कोशिश, वही प्रयत्न और वही जज्बा आज आपको राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगा उन सभी नेताओं को कि उससे हम सबक लें ताकि आने वाली पीढ़ी उस चीज़ का अनुकरण कर समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से लोक सेवा का सही पाठ पढ़ सकें। मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा जगदीश चंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का कि जिस ईमानदारी और जिस मेहनत के साथ पिछले 10 दिनों से एक जैसा सतत माननीय अनिता जी, माननीय उनके सभी टीम के सभी सदस्य इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए और इसके मूल मंत्र को पकड़ने की जो कोशिश ताकि वो सही रूप में कवि प्रदीप जी को और उनके विचारों को लोगों के सामने रख सकें, तो उस कोशिश के लिए मैं उनके बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका यह प्रयोग और उनकी मेहनत जो आज उनने यहाँ पर जोधपुर की जनता के माध्यम से पूरे राजस्थान को अपने चैनल और विभिन्न प्रचार माध्यमों से भेजने का जो कोशिश आज यहाँ की जा रही है, वो बापू के 150वें उनके जन्मवर्ष पर पूरे देश में ये संदेश जाए। और इसी कामना के साथ अपनी पूरी दिल से अपनी शुभकामना देते हुए अब शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान।